हमारी महफिल में आ गए हो। नंबर वन शुरुआत से बोलना, थोड़ा ब्रीफ में बोलना है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना कि नेशनल प्रोग्राम जितनी भी है। आज की ये महफिल हेल्थ मेला जो कि जैसे कोई कैंप फ्री कैंप नहीं है, इट इज जस्ट एन अवेयरनेस कैंप। और अवेयरनेस कैंप का मतलब है जब तक लोगों को जानकारी ना हो कि हमारे रियलिटी है कि यहाँ जहाँ पर ये मुनक्कद हो रहा है प्रोग्राम, जिन बच्चों के लिए है ये, वो है ही नहीं यहाँ पे। या तो मेरे ख्याल से ये चीज़ों को ऐवी लेते हैं कि इम्पोर्टेंस को नहीं समझते हैं, या एक खौफ सा होता है वहाँ पे जिंदगी के बारे में, हेल्थ केयर के बारे में बताया जाए। मे चुबासा डी डी एस सब दिन थोड़ा बहुत ध्यान, मे चुबासा अत मे सारे खुद असल रोल अवेयरनेस सब आशा बहन सारे सोन मुदा तो मकसद इन स्टूडेंट तिमन तानत सी कत वाना क्योंकि आशा वर्कर्स कमो वो मसरूर सब ये सात कोविड फर्स्ट वेव सेकंड वेव इन जबरदस्त ये जामतर गर दिमाइन मगर तुयो तिमन घर मे जामतर दिमाइन कह तुम कड़ी तम पेशेंट तिम करू टेस्ट तुम पुन फर्ज फर्ज तो निभो तुम वनक कोविडस पे पता बिकॉज ऑफ यू सुस्तान मगर ये इत प्रिंसिपल साहबस पजान ये मान स्टूडेंट तिम सराव क्योंकि आर बी एस के स्कीम बाकी तमूलत वीडियो आज आम तौर मोबाइल घर मे आमुत तिम सेम तिम सैम सारे खुद ज्यादा लकुट जवान ग लकुट बच ग बदकस्मती तम चे मगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नईम बख्शी है और मैं जीडीसी हंदवारा में पढ़ता हूँ। सर, जो भी ये हेल्थ मेला लगा है, ये हम बहुत ही शुक्रगुजार है, जो ये मेडिकल टीम मेडिकल हेल्थ हंदवारा, इनका बहुत शुक्रगुजार है हम, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे ये हेल्थ मेला रखा है जिससे हमें बहुत सारी अवेयरनेस मिली रिलेटेड टेस्ट्स रिलेटेड एनी डिजीज़। हमने काउंसलिंग भी जैसे यहाँ पे एक काउंसलिंग दी जा रही है हमें कि अगर आपको कुछ है आप ऐसे गाइड कर रहे हैं हमें यहाँ पे जो भी डॉक्टर साहिबान आए हैं यहाँ पे, इन्होंने हमें अच्छे से गाइड किया कि आप क्या। पहले तो मेरा नाम इम्तियाज़ अहमद खिलाना है, मैं जीडीसी हंदवारा से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पर जो ये आज मेडिकल कैंप लगा हुआ है, ये बहुत ही इसके हमें हमारे लिए फ़ायदे हैं, जैसे कि यहाँ पर बहुत से डिपार्टमेंट आए हुए हैं, यहाँ पर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस और मेडिकल ये ब्लड टेस्ट होता है, हमें इससे पता चलता है कि हमारे अंदर कौन सी डिजीज़ है, किससे हम ऐसे इस प्रोग्राम का हमारे लिए बहुत होना ज़रूरी है। जो आने वाली जनरेशन है इससे हमारे बुज़ुर्गों और बच्चों को अवेयरनेस होती है कि हम में से कौन सी बीमारी है, हम इसे देख सकते हैं। तो जो कैंप यहाँ मुनक्कद हुआ डिग्री कॉलेज हंदवाड़ा में, आपको पता है ये सिलसिला चल रहा है लास्ट 10-15 दिन से, सिलसिला चार मेडिकल हेल्थ मेला का, तो इंशाल्लाह ये कड़ी थी उसी के बारे में। जो आपको पता है जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एनसीडीज है यहाँ, या बाकी आरबीएस के स्कीम्स है, गोल्डन कार्ड्स की रजिस्ट्रेशन, उनके बारे में लोगों को अवेयर करते हैं। इंशाल्लाह हमारा डिस्ट्रिक्ट, हमें लगता है कि जब से कोविड हो गया बहुत ही काम पी आर आई के थ्रू भी हमने कोशिश की कि हॉस्पिटलों में मशीनरीज देने की, पी आर आई ने भी अपना बहुत बखूबी अपना ये निभाया, तो इंशाल्लाह ये कोशिश है जो हेल्थ सेक्टर उसे प्रायोरिटी देने की। लेकिन हमें लगता है जो कोविड के बाद एक लोगों में एक बहुत ही एक नॉलेज बढ़ी है हेल्थ के बारे में, ये कड़ी है एक ब्लॉग जो हेल्थ मेला है उसी के बारे में। मेरे ख्याल में ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। इनफैक्ट मेरी कल यहाँ यूनसू में हेल्थ मेला में सीएमओ साहब से बात हो गई, जो बॉर्डर एरिया है उस एरिया में भी हम इंशाल्लाह ये हेल्प करेंगे। मजीद मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारी YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।